हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम वर्षा। और मेरे टाइटल सबको पता ही चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। सो इज़ इट सेव टू शेव माय फेस? द आंसर इज येस। एंड ये मैं 2 साल से खुद कर रही हूँ। एंड आई नो बहुत ज़्यादा जो लोग यहाँ पे इस वीडियो देखने आए होंगे, रीज़न यही होगा कि आप अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो विच इज़ नॉट रॉन्ग, क्योंकि जब मैंने भी देखा था शेव करने से पहले, सो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी देखने के लिए कि इज़ इट सेफ, मतलब क्या है, इसके प्रिकॉशंस होंगे, क्या मुझे करना होगा, कोई कहीं कोई साइड इफेक्ट ना हो, कुछ ना हो। बट ट्रस्ट मी गाइस, मैं खुद 2 साल से कर रही हूँ। एंड मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने पहले अपने सीरियसली मैंने सिर्फ यहाँ के बाल, यहाँ के जो मेरे फेस के हेयर्स हैं, मैंने यहाँ के हटाए थे। 2 मेरे फेस में नहीं है, आई मीन ये उनके लिए ज़्यादा मुझे लगता है फ्रूटफुल है जिनके फेस में बहुत ज़्यादा यू नो हेयर्स होते हैं। बट टच व्हाट, फॉर्चुनेटली आई एम वन ऑफ देम कि जिसके ज़्यादा नहीं है, मेरे बस माथे में है। एंड मैं सीरियसली यहाँ के लिए ज़्यादा यूज़ करती हूँ कंपेयर टू माई फेस, माई फेस इज़ क्लीन। बट जिनका नहीं है, आई थिंक दिस इज़ बेटर। आप वैक्स करने से बेटर है आप शेव कीजिए, ट्रस्ट मी। एंड ऐसा नहीं है कि एक बार शेव कर लो तो आपकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, नहीं। मैं कर रही हूँ और मैंने 5-6 महीने से नहीं किया है, सी नो ग्रोथ। तो मैं मतलब ऐसी वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं खुद ये चीज़ें करती हूँ, दैट इज़ आई एम मेकिंग। सो दीज आर द 2 टूल्स विच आई यूज़। तो मैंने नया लिया है बट मुझे जैसा चाहिए मिल नहीं रहा है। मैं जब पहले, ये मेरा फर्स्ट है, मैं पहले लेने गई थी तब ये मिला। एंड मुझे ब्लेड ये वाली चाहिए और बॉडी ऐसी चाहिए। सो आई डोंट नो, एनीवेज, सो फर्स्ट थिंग इज दैट इट कि ये सेफ है कि नहीं। यस इट इज़ सेफ। एंड आपके मैं फिर से रिपीट करूँगी कि नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है एक बार यूज़ कर लो तो आपके दोबारा मतलब बाल बहुत हार्श आते हैं। नो, ऐसा नहीं होता है, इट्स अ मिथ। आप जब खुद करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। मेरे अंदर भी डाउट था बट जब मैंने खुद रीज़न मैंने पहले हाँ इसलिए क्या, मैंने कहा कि चलो यहाँ के बढ़ जाएंगे तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पे तो क्या है कि हो जाएगा। बट ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एंड आई यूज इट बेसिकली फॉर माई फोरहेड। एंड मेरे वैसे अपर लिप में भी नहीं है बट मैं स्टिल यहाँ पे भी लगा देती हूँ। सोचो मेरे नहीं है, हल्के हल्के से मैं लगाती हूँ, स्टिल देखो मेरी कोई ग्रोथ नहीं है। सो यू कैन डू इट। आई थिंक ये वैक्स से बहुत 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 ज़्यादा बेटर है। एंड वैक्स अपने स्किन में लगाना इज़ नॉट गुड। पहली बात तो आपकी स्किन खिंच रही, दूसरी जो आप एक हॉट चीज़ अपने स्किन में लगा रहे, सो इट इज़ नॉट गुड एट ऑल। सो आई विल टीच यू कैसे करना है एंड मैं कैसे करती हूँ। सो फर्स्ट यू हैव टू मॉइस्चराइज योर फेस। आप किससे भी कर सकते हैं, जैसे मैं ऑयल कर रही हूँ यूज़। आप कोई अच्छी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लेके भी अपना फेस को बिल्कुल, आपका फेस बस ड्राई नहीं होना चाहिए, ड्राई के अलावा छोड़ के आप कोई भी क्रीम लगाइए, बस आपका फेस जो है वो अच्छे से मॉइस्चराइज होना चाहिए। इट विल बी मेसी बट इट्स ओके, एंड गर्ल्स कैन ऑल्सो शेव। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे मेरा रेसिपी बार में यहाँ देखूंगी, मैंने अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है। मुझे ये समझ नहीं आती है, मैं मिरर में तो मुझे लगता है मैं आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल बट मैं कैमरे के सामने बहुत गंदी लगती हूँ। आई मीन कोई है क्या मेरी तरह जो बिल्कुल ही फोटोजेनिक नहीं है? मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हो कि अगली आती हूँ कैमरे में, बट मैं रियल में ठीक आती हूँ। बहुत अपनी तारीफ हो गई। एनीवेज, सो ये किसी और का यूज़ नहीं करना गाइज, अपना ही होना चाहिए। प्लीज़ अगर आपके कोई भाई मतलब बहने, सॉरी भाई नहीं बहने हैं, सो प्लीज़ आप अपने लिए अलग अलग लीजिए, एक दूसरे का यूज़ मत करिए। एंड ऑल्सो वन थिंग, अगर आपके फेस में एक्ने हैं, अवॉइड डूइंग इट। प्लीज़ मैं पहली बता दूँ, अवॉइड डूइंग इट। अगर आपके फेस में एक्ने है हल्का सा, तो वो एरिया छोड़ दीजिए, जो आपका एरिया सही है वहीं पे कीजिए। बिकॉज एक्ने की वजह से वो, क्योंकि किसी के होता है वो, आप इससे लगाओगे उससे कोई पस या कुछ भी निकलेगा तो आपके और स्किन में लगेगा और फैलेगा। सो या दिस इज़ अ वन टिप, अगर आपके फेस में एक्ने है, सो डोंट डू दिस, डोंट। एंड सॉरी फॉर द नॉइस, आई नो इंडिया, यहाँ पे शांति कभी नहीं होती है। सो एनीवेज, मैं हल्के से यहाँ के करती हूँ, तो आपको नीचे की साइड ऐसे करके करना है।
एंड सबके फेस में ना हल्के हल्के से हेयर्स होते हैं. आई मीन दो हमें लगता है कि हमारे फेस में नहीं है हेयर्स, बट हमारे फेस में होते हैं, सबके फेस में होते हैं. मुझको भी लगता था अरे मेरे तो बिल्कुल भी नहीं है जब, बट मैंने जब किया तो हल्के हल्के छोटे छोटे बाल. अगर आपकी स्किन इसमें फुल्ली मॉइस्चराइज रहेगी तो कुछ कट नहीं होगा. सो सेकेंड रीज़न इसलिए आपको करना है. सो मैं इस साइड का करती हूँ. सो सॉरी गाइस, मैं आपको पूरा नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मैं शीशे के सामने देख के कर रही हूँ, तो कहीं आपको दिखा दिखाते खुद के मुंह में ना कट कर लूँ. सो या जहाँ आपको लगता है कि आपके फेस में हैं छोटे छोटे बाल हैं, सो डू देयर एंड आराम से करना. डोंट डू दैट, आराम आराम से. जब देख रहे हैं मैं आराम आराम से कर रही हूँ. नीचे की साइड पे जाइए और स्किन को अपनी टाइट रखिए. मेरी तरफ बोलते बोलते मत करना प्लीज़. सो आराम आराम से आपकी स्किन को टाइट करके फिर कीजिए. एंड नाउ इट्स माई फोरहेड. ये बहुत डिफिकल्ट वाला है. एंड मैं अपने आईब्रोज भी हल्की से करती हूँ क्योंकि मेरी ना आईब्रोज ही नहीं है एक्चुअली. सो या पहाड़ी होने का यू कैन से अ टिप. टिप नहीं है, ये ब्लेसिंग है एक्चुअली पहाड़ी होने की, कि हमारे ना थोड़े से हेयर्स, फेशियल हेयर्स ये सब कम होते हैं. किसी किसी के तो हाथ पाँव में भी नहीं होते, मेरे तो फिर भी हैं, बट या बट मेरी आईब्रोज नहीं है बिल्कुल भी. मैंने लास्ट टाइम 2 साल पहले बनाई थी. एंड आई एम नॉट लाइंग. बाकी मेरा इससे ही हो जाता है, मैं इससे ही हल्का सा ऐसे करके शेप करके एंड डन. वही मैं अपने आईब्रो कर रही हूँ. आईब्रो का बस मेरा यही है, आईब्रो का मेरा कोई सीन ही नहीं है एक्चुअली, क्या ही करूँ. थोड़ा आईब्रो साइड प्रिकॉशंस के साथ, कहीं आपकी आईब्रो ही ना हो जाए. फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में गाली देना है. जस्ट किडिंग. बट यू हैव टू बी केयरफुल ओके, बिकॉज हम यहाँ भी ब्लेड से यहाँ पे खेल रहे हैं एंड यू डोंट वांट टू हर्ट योरसेल्फ. मेरे फोरहेड में अब दिख रहा होगा, ये पहले यहाँ पे पूरे बाल थे एंड नाउ इट्स क्लीन. मैंने काफी टाइम से नहीं किया था, आई थॉट क्यों ना थोड़ा सा अपने आप को आज पैम्पर किया जाए. आई मीन लॉकडाउन में आप कर ही नहीं पा रहे हो. तो ऑल्सो जो लड़कियाँ मेकअप करती हैं, आपको मेकअप करने का शौक है, सो अगर आप मेकअप से पहले करेंगे ना, फिर आपका मेकअप है ना जो जब आप करेंगे तो बहुत अच्छे से फिर ब्लेंड होगा, बिकॉज आपके फेस में कोई हेयर्स ही नहीं रहेंगे. सो टारा, इट्स डन. मैं वॉश करके आती हूँ फिर मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ. सो वॉश करने के बाद अपना मेरे पास ऑयल फ्लेम की क्रीम है, सीरम क्रीम काइंड ऑफ सीरम. सो स्किन सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो जाती है. ओके ना, जहाँ लाइटिंग अच्छी हो मैं वहाँ पे आपको दिखाती हूँ अपनी स्किन. सी आप मेरा फोरहेड भी अब देख सकते हैं कि पहले यहाँ यहाँ पूरे थे,
इट्स क्लीन ग्लोइंग. सो आई थिंक आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया हो कि शेव करना इज़ नॉट बैड फॉर योर स्किन, इट्स गुड एक्चुअली. बिकॉज एक्चुअली ट्रीटमेंट भी होती है, आपने देखा होगा जो फेस की ट्रीटमेंट होती है उसमें आप देखेंगे कि ऐसे करके वो आपकी डेड सेल निकाल रहे होते हैं. सो बेसिकली इससे आपकी डेड सेल है वो जो आपकी स्किन में पॉल्यूशन की वजह से लग जाती है वो भी क्लीन हो जाती है. दैट इज़ वाई आपका फेस जो है वो अच्छे से और ग्लो करता है. एंड साथ में आपके फेशियल हेयर्स भी चले जाते हैं जिनके हैं, और जिनके नहीं हैं इट्स ओके, बट आपकी डेड स्किन जा रही है सो यू कैन डू दिस. आई एम नॉट सेइंग कि आप ये हर वीकली करो, आई थिंक आप मंथ में दो मंथ में एक बार, आई मीन मैं ये 5-6 महीने बात कर रही हूँ. एंड मैं फेस में मेरे कोई बाल बाल आपको ऐसे दिख नहीं रहते, बस मेरे माथे में बाल हैं वो मेरे हैं. मेरा माथा मेरी मॉम की तरह है. सो या इट्स सेफ फ्रॉम माई साइड एंड ये एक्सपेरिमेंटेड है, टेस्टेड है. आई एम नॉट सीइंग ऐसे ही, मैंने ये 2 साल से कर रही हूँ, मुझे अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है. एंड स्किन इससे अब मेरी बहुत ग्लोई शाइनी और सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाती है. सो यू कैन ऑल्सो गिव इट अ ट्राई एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क. एंड दैट्स इट फॉर माई टूडेज वीडियो. आई विल बी बैक विद मोर वीडियोज. यू टेक केयर एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. एंड ऑल्सो शेयर एंड लाइक ऑल्सो यार, कम ऑन. सब्सक्राइब तो आप कर नहीं रहे हो, लाइक देते हो, थैंक यू सो मच, बट कम ऑन गाइज, और सब्सक्राइबर बढ़ाओ ना मेरे प्लीज. बाय, टेक केयर.